निकलनी है। दिल्ली में पानी की किल्लत के मुद्दे पर बीजेपी ने मंगलवार को सड़कों पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने मिट्टी के बर्तन तोड़कर विरोध जताया और दक्षिणी दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के कार्यालय के बाहर नारे लगाए। विरोध प्रदर्शन में दक्षिण दिल्ली से बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह विधुड़ी भी शामिल रहे। लोगों के लिए पीने के पानी की जो व्यवस्था करनी थी वह व्यवस्था की नहीं गई। हिमाचल से पानी लाया नहीं गया, मुरादनगर से पानी लाया नहीं गया और ये वायदा किया गया था कि यमुना के साथ जो किसानों की ज़मीन है उस ज़मीन को किराए पर लेकर गड्ढे खोदकर बरसाती पानी इकट्ठा किया जाएगा, उसको ट्रीट कर दिल्ली के लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने कोई कदम उठाया नहीं। इससे पहले सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पर पानी के मुद्दे पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगाया था। भाजपा को अपनी नकारात्मक और नेगेटिव राजनीति बंद कर देनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी 137 क्यूसेक दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने का फैसला दिया। हिमाचल प्रदेश भी ये पानी दिल्ली को देना चाहता है। बस हरियाणा सरकार को इतना करना है कि जो पानी हथनी कुंड बराज, हरियाणा होते हुए हथनी कुंड बराज से दिल्ली आता है, उसको हथनी कुंड बराज में छोड़े ताकि यहाँ वजीराबाद बराज में पहुंच जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 7 जून को हिमाचल प्रदेश सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी जारी करने को कहा था। इसके साथ ही हरियाणा सरकार को पानी के प्रवाह को व्यवस्थित बनाए रखने का निर्देश दिया था।